इससे पहले जब बात हुई तो आपने कहा कि एक एनलाइटेड मास्टर भी कंडीशन्ड होता है, मतलब उसकी मेंटल कंडीशनिंग जाती नहीं है। तो जब जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम द नोन, तो किस ज्ञात से मुक्ति, तो किस ज्ञात से मुक्ति की बात करते हैं? एक तो ये, और दूसरा ये था कि अभी ये इतनी सब बातें चल रही थी खाने पीने के ऊपर, तो एनर्जी साइकिक प्लेन पे, तो पूरे हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जय कृष्ण मूर्ति से ज्यादा साइकिकली इन सब चीजों के ऊपर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। और वो एक्चुअल में सिवियर हेडेक्स होते थे, जैसे कि वो बिलख के चिल्लाते भी थे, तो उनको कहते थे वो साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। और एक बार ये भी कहना है कि कहीं वो एक बुचर की शॉप से बिल्कुल गुजर रहे थे, अचानक से वो वहाँ के जितने सेंसिटिव हो गए थे कि उनकी जो उसकी वाइब्रेशंस थी उससे वो बेहोश हो रहे हैं। और दूसरा इसमें ये बात है कि रामकृष्ण परमहंस, अगर वर्णनस की बात, हर चीज को आप कॉन्सेप्ट की तरह से कहते हैं कि कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट समझ, लेकिन उसका एक रियलिटी भी है। तो जब रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो उनको जब नाव में जा रहे थे और किसी को मारा जा रहा था, तो वो उन जो चाबू के से मारा जा रहा था, तो उनके पीठ पर निशान आते हैं और वो चिल्लाते हैं, तो रियलिटी का वो हुआ। तो ये जो इतनी बातें हो रही थी, आपने कहा कि भाई किसी कंडीशनिंग है, तो मीट खा रहा है तो उसके लिए उसकी कंडीशनिंग वो वहां रहता है, तो ये है। लेकिन फिर ये भी तो एक पहलू है कि जहां पे आपको एक्चुअल में चीजें रियलाइज होने की लाइफ है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। रामकृष्ण परमहंस की ये घटना बड़ी पॉपुलर है, उस घटना को मैं मान सकता हूँ कि सही रही होगी, लेकिन रामकृष्ण फिश खाते थे, रामकृष्ण मछली खाते थे, बंगाल में पैदा हुए थे, उनके लिए बड़ा सामान्य था ये सब चीज़ें। और फिर ये जो शरीर पर निशान उभर आए, ये एक देखा जाए एम्पैथेटिक हैपनिंग थी उस टाइम स्पेस की, क्योंकि ऐसा हमेशा तो नहीं होता था, क्योंकि जिस परिवेश में रामकृष्ण रह रहे थे, तमाम लोग अक्सर इधर उधर पीटे जाते रहते थे और तमाम वायलेंस होता रहता था, तो रोज़ तो हंटर नहीं उभर आते थे उन पे, एक बार कभी हुआ, नहीं तो रामकृष्ण का जीना दूभर हो जाता, इधर से निकले और उधर फिर वो लहूलुहान घर लौट रहे हैं। तो घटना हुई, लेकिन ये वननेस की घटना नहीं है, ये हमारे इनलार्ज्ड सेंसेस और इनलार्ज्ड ऑब्जर्वेशन की एक टेम्परेरी इवेंट है, जिसमें ये पता चलता है कि हम अगर किसी चीज़ को रिसीव कर लें और एक्सेप्ट कर लें उस सजेशन को उतने स्ट्रांगली, तो वो घटनाएं संभव हैं कि हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि उन्होंने दर्द महसूस किया, उस घटना को उन्होंने देखा और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया सजेशन के तौर से बहुत स्ट्रांगली। मैं इस चीज़ को अपने अनुभव से बता सकता हूँ, तमाम घटनाएं मेरे अनुभव से भी सिद्ध हैं, ये तुम भी जानते हो, तमाम लोग जानते हैं, इसीलिए मैं इन चीज़ों को हमेशा दोनों पहलू से बोलता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल पहलू से, लेकिन उनका मिस्टिकल पहलू भी बचा है। मैं एक बार एक मूवी देख रहा था, ये तो घटना उनकी हो रही थी कि सामने उन्होंने देखा किसी को पिटते हुए, तो उनके शरीर पर निशान उभर आए। मैं एक मूवी देख रहा था और वो भी टीवी पे, ये भी नहीं कि हॉल में देख रहा था, 3D में देख रहा था, तो ज़्यादा लाइव वो दिख रही थी। मूवी कुछ चींटियों पर बेस्ड थी, नाम मुझे मूवी का नहीं याद, हॉलीवुड की मूवी थी, बहुत अच्छा ग्राफिक अच्छा था उसका, कि चींटियाँ कहीं धीरे धीरे करके अटैक करना शुरू कर देती हैं लोगों के ऊपर, शहर के ऊपर चींटियों के झुंड चले आ रहे हैं। तो एक रूम में एक कपल सोया हुआ है और चींटियाँ, उनका रेला उसके स्टेयर से ऊपर जा रहा है और धीरे से उनके अंदर घुस जाता है, मतलब बड़ा ही अजीब दिखाया उन्होंने। और उन कपल्स के सोते हुए ही एकदम उनके ऊपर वो बिछने लगती हैं चींटियाँ, उनको खाने लगती हैं, काटने लगती हैं। मैं उसको देखते हुए कुछ इतना अलाइंड हो गया या उस चीज़ से इतना जुड़ गया या उसको इतना मैंने कैच कर लिया मेंटली, कि देखते देखते जैसे मैं उसमें पूरी तरह दृश्य में एब्जॉर्ब हो गया। थोड़ी देर मुझे लगा कि मुझे कुछ परेशानी हो रही है, मुझे इचिंग हो रही पूरे शरीर में, और जब मैंने नीचे देखा
तो मेरे पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते उभर आए थे, जैसे पूरी चींटियों ने मुझे नीचे से ऊपर तक काट लिया। रियल एक्चुअल घटना, टीवी देख रहा था और टीवी वालों ने भी उसको ग्राफिक से ही बनाया होगा, असली चींटियाँ नहीं कटवाई होंगी। चींटियाँ वो ग्राफिक से क्रिएटेड होंगी, असली चींटियाँ नहीं होंगी जिस तरह के सीन पर। लेकिन मैं चूँकि इस सीन से इतना जुड़ गया और इतना उसको फील करने लगा, महसूस करने लगा, और मेरे बॉडी माइंड ने सजेशन को कैच कर लिया, तो मेरे ऊपर चकत्ते उभर आए जैसे चींटियों ने मुझको सही में काट लिया। तो क्या मैं वननेस में चला गया? और वननेस तो ग्राफिक था, यानी कि चींटियों ने तो कहीं काटा ही नहीं था, और घटना तो टीवी में चल रही थी, कहीं कोई किसी को काटने वाला या कटाने वाला भी नहीं था, बट पॉसिबिलिटी तो हुई। तो इसलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि रामकृष्ण के साथ भी सिमिलर इवेंट ही हुई होगी, कोई उससे बहुत मिस्ट्री नहीं होगी ज़्यादा, कि उन्होंने देखा होगा और वो अचानक उससे इतना भाव से, मन से, विचार से जुड़ गए होंगे उसके दर्द के साथ, उसकी चीज़ों के साथ। तो वो पॉसिबिलिटी है, वो सेंसिटिविटी उनकी रही होगी। सेंसिटिविटी का मेरा भी कंडीशनड इतिहास रहा है, इसलिए वो घटना मेरे साथ हुई, दूसरों के साथ हुई। इसी तरह की घटना मैं और बताऊं, यूजी कृष्णमूर्ति के जीवन की घटना है। वो भी मूवी ही देखने गए थे कहीं, और अपने कुछ मित्रों के साथ थे वो, और बातें वो चाहे जैसी उल्टी सीधी करते रहे, मैं उनको मॉडर्न अघोरी ही कहता हूँ, क्योंकि वो बातें करते थे उल्टी सीधी, लेकिन इंसान बहुत प्यारे थे, मतलब ही वॉज क्वाइट जेन्युइन पर्सन, मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ। तो कहते हैं कि जब वो मूवी देख रहे थे तो अचानक उसमें गोली चलने का सीन हुआ, उधर गोली चली और ये मुंह के बल धड़ाम से गिरे सीट से, तो इनके जो साथ के लोग थे एकदम घबरा गए, उन्होंने उठाया, उन्होंने क्या हुआ, तो जहाँ गोली लगी थी मूवी में कैरेक्टर को, उनको भी ऐसा लगा कि वहीं गोली लग गई, और इतना दर्द उनको वहाँ पर हुआ, वो अपना बस वहाँ सीना पकड़ के गिर गए धड़ाम से आके, दर्द भी वो जाते जाते गया। अब मूवीज और इन सब में देखे तो कोई रियल घटना भी तो नहीं होती, वो तो ड्रामा होता है, लेकिन उसको देखकर कौन कैसा महसूस कर लेगा और कितना सेंसिटिव व्यक्ति है और कितना उससे जुड़ जाएगा, अलाइंड हो जाएगा, इतना इतना मसला है। तो ये घटनाएं ऐसे ही होती हैं। जे कृष्णमूर्ति की बात जो पूछी है उसको भी बहुत अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है कि बूचर शॉप से उनको ले जाया गया, उन पर बहुत असर हुआ, बेहोश हो गए, इन्हीं वजहों से उन्होंने थियोसॉफी को छोड़ा। जो थियोसॉफी का ये सब मम्बो जम्बो था और ये जो उनकी सर्कस थी, जब उन्होंने बहुत नज़दीक से देखी, ईमानदार जेन्युइन इंसान थे, उनको रियलाइज हुआ कि आपने प्रोग्रामिंग ही हमारी ऐसी कर दी थी, हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी थी कि हम उसको उस तरह से ले ही नहीं पाए। तो उनको लगा कि आगे मैं आने वाले लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं होने दूंगा, इन कर्मकांडों की, इस मिस्टिफाई करने की जो चीज़ें हैं उनको, तो उन्होंने सब डिमिस्टिफाई करने की कोशिश की। सेंसिटिव व्यक्ति तो बेशक बहुत थे, अब उस सेंसिटिविटी को ही जब किसी के दिमाग में इतना डाल दिया जाएगा कि ये चीज़ें इतना नुकसान कर रही हैं, अगर कहीं बूचर की शॉप है तो वहाँ बहुत ही ख़राब वाइब्रेशन है, बहुत ख़राब एनर्जी है, वायलेंट एनर्जी है, अब एक इंसान जो उसको रिसीव कर चुका है, मान के चल रहा है, तो उस पर असर तो आना ही था, वो उन पर आया। जब उनको उसका पूरा सिस्टम और विज्ञान और उसकी सारी साइकोलॉजी, फिलॉसफी सब पता चल गई, तो उन्होंने उससे अपने को विड्रा कर लिया। फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसमें इधर उधर शटल करते रहे, अपने डिस्कोर्सेज देते रहे, तो कई लोगों ने कहा कि इधर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और ये साहब प्रवचन देते घूम रहे हैं, रिट्रीट करते घूम रहे हैं। वो इतना डिटैच हो गए थे, उससे भी उतना अपने को नहीं जोड़ रहे थे। एक व्यक्ति जो बूचर शॉप से इस कंडीशन में पहुंच जाता है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन पे बोलते हुए भी, बातें करते हुए भी डिटैच हो जाता है, जहां पर 3 से 6 करोड़ लोग मारे जाते हैं वर्ल्ड वॉर में, वो अपने पूरे ग्रेस में, अपने स्पिरिचुअल जो उसका पोजीशन है उसमें पूरी तरह से स्टिल है, तब बेहोश नहीं हुए। इतने 3 से 6 करोड़ लोग मारे जा रहे थे, उनको तो 24 घंटे में 3-3, 4-4 बार बेहोश होना चाहिए था, बोलते बोलते बेहोश होना चाहिए था, इतने सेंसिटिव व्यक्ति थे, तब नहीं हुए, क्योंकि तब वो डिटैच कर चुके थे।
वो सिस्टम जान चुके थे कि वो क्या चीज़ थी जिसने हमारे मन पर असर डाला था, जो हमको इतना परेशान और कमज़ोर बना रही थी, ये चीज़ थी। Thank you.